लगा मास्क लगा दो और आप मास्क नहीं पहने तौलिया में दुकान बंद हो जाएगा आपका अगली बार और एफआईआर भी होगा आपके ठीक है। आप अपने स्टाफ को भी बोलिए कि सब मास्क पहन के रहेगा, हम लोग नहीं चाहते कि आप पे कोई कार्रवाई हो। अभी हमने देखा आपको वहाँ से जब कपड़ा बांध रहे थे, ये बांध रहा है, मास्क पहनिए, मास्क रखिए। सैनिटाइजर कहाँ है आपका दुकान पे? सामने रखिए, नो मास्क नो ग्राहक, बिना मास्क को ग्राहक बंद नहीं करेंगे। बिना मास्क किसी को मत दीजिए। और प्राय देखा गया है कि वैक्सीनेशन के कारण, टीकाकरण के कारण जनता के बीच में ये थोड़ा सा लोग रिलैक्स हो गए हैं, ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है। कई चीज़ों में ढिलाई दी गई है, छूट दी गई है, बाजार से लेकर विद्यालय से लेकर अस्पताल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, सभी में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है ताकि उनका बिजनेस ठप ना हो, हमारा इकॉनमी चलता रहे। परंतु आवश्यक यह भी है कि जब अगर आप सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आप विद्यालय कैसे जाओगे, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे जाओगे और सिनेमा कैसे देखोगे। ये आवश्यक है कि पहले आप अपनी जान की रक्षा करें। जब आप हवाई जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, और उसमें जब एक एयर होस्टेस आपको इंस्ट्रक्शंस देती है, तो सबसे पहले यही बोलती है कि आपातकालीन के समय में मास्क नीचे उतरेगा, सबसे पहले आप अपने ऊपर मास्क लगाएं, तब दूसरे का मदद करें। यहाँ कोविड में भी, कोरोना में भी यही आवश्यक है कि सबसे पहले आप स्वयं को सुरक्षित रखें, मास्क जरूर पहने और घर से निकलते समय हैंड सैनिटाइज करें। अपने छोटे से बैग में जैसे आप मोबाइल के लिए आपके पास जगह रहता है, वैसे ही सैनिटाइजर के लिए आपके पास जगह होना चाहिए। आपके पर्स में, आपके बैग में सैनिटाइजर रहे, एक्स्ट्रा मास्क रखें हमेशा अपने साथ, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। आज के दिन में सोशल डिस्टेंसिंग जो एक हास्यपद शब्द बन चुका है, लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, परंतु अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तभी जाके हम कोरोना की लड़ाई से हम लोग जीत सकेंगे। अदरवाइज एक दूसरा है लहर की तीसरा लहर या चौथा लहर हम नहीं कह सकते, परंतु ऐसे कितनी लहरें आएंगी कोविड की हमको पता नहीं है। और इस लहरों को हम तभी दबा सकते हैं जब आप सब लोग एक साथ लोकमत जनमत होकर इससे लड़ने के लिए हम सभी को सहयोग करेंगे। और ये कैसे होगा, जेएन चर्च कॉम्प्लेक्स के सभी शॉप ओनर्स के साथ मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खासकर ज्वेलरी शॉप।